आज मैं बचे हुए चावल से कटलेट बनाने जा रही हूँ, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए ये हमारा चावल बचा हुआ है, शाम के स्नैक्स के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये उबले हुए मतलब पके हुए चावल हैं, उसको आप जितना हो सके मैश कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, चावल को मैं मैश कर ली हूँ और इसमें उबले हुए आलू, इसको भी आप मैश कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, एक या दो अपनी इच्छा के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं छोटे छोटे साइज के दो डाल रही हूँ। और इसमें हाफ प्याज है, एक हरी मिर्च और धनिया पत्ता, ये सब डाल देते हैं। इसमें नमक और मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। नमक भी डाल देती हूँ इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि हमारा चावल में नमक नहीं है पहले से। और चाहें तो थोड़ी सी बस हल्दी पाउडर, और इसमें कोई मसाला मैं अब ऐड नहीं करूँगी। और इसकी बाइंडिंग के लिए या तो आप कॉर्नफ्लोर, मैदा या बेसन यूज कर सकते हैं। मेरे पास बचे हुए दो ब्रेड के टुकड़े हैं, ये देखिए ये दो ब्रेड के टुकड़े हैं, इसको मैं क्रश कर लीजिए या इसको पूरे अच्छे से इस तरह से कर लें। पर मैं इसमें 2 चम्मच पानी की जगह पर मैं 2 चम्मच दही डाल रही हूँ, आप पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये दही डाल दी हूँ, बस ये 2 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगा, फिर सारे चीज़ को मिला करके मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैं दही ब्रेड मिक्स कर ली हूँ, मैं ब्रेड यूज कर रही थी इसलिए, नहीं तो आप कॉर्नफ्लोर पाउडर या अरारोट पाउडर जो भी घर में अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं, या ब्रेड क्रम्स हो उसे भी आप यूज में ला सकते हैं। अब इसको मैं सारे को मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से मैं पूरा अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, एक डो इसका तैयार हो गया है। और जिनका चावल थोड़ा सा गीला टाइप से हो तो पानी चेक करके डालें। मैं 2 चम्मच दही डाली हूँ। अब इसके इस तरह से हाथों में थोड़ा तेल लगा लें इस तरह से, फिर इसको इस तरह से कटोरी बना करके आप इसे डायरेक्ट कटलेट की तरह भी आराम से बनाइए, पर मेरे पास चीज़ है तो चीज़ के इस तरह से मैं पीसेस काट ली हूँ और इसमें डाल देती हूँ। और इस तरह से ये चीज़ डालना कंपलसरी नहीं है, पर इस तरह से ये देखिए। अब इसको तलने के लिए सब मैं बना के रख लेती हूँ। देखिए साइड में मैं तेल गर्म होने के लिए रख दी थी, तेल गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा एकदम गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म चाहिए। इस तरह से डाल करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे। आप इस कटलेट को मीडियम फ्लेम पे तलें इस तरह से, ये बहुत अच्छे से तल गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ, ये गर्मा गर्म चीज़ कटलेट रेडी है, वो भी बचे हुए चावल से। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। फ्रेंड्स देखिए कटलेट तो रेडी हो गया है, आइए देखिए क्रिस्पी भी हुआ है।